नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन के इशारे पर कुकड़ू को बोलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री अपने ही देश में घिर गए हैं। भगवान राम को नेपाल का बताने पर विपक्षी पार्टी नेपाल कांग्रेस ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काठमांडू से लेकर बीरगंज तक लोग सड़कों पर ओली के पुतले सुआ कर रहे हैं, जबकि नेपाल कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रभात शर्मा ने कहा है कि इस प्रधानमंत्री को बदल दीजिए और इसका पार्सल बनाकर चीन को भेज दो। ओली ने देश प्रशासन करने के लिए नैतिक और राजनीतिक आधार खो दिया है। नेपाली कांग्रेस के इस बयान के बाद ओली की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि इससे पहले तक ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़कर विपक्षी दलों के समर्थन से सरकार बनाने के मंसूबे पाले थे, मगर अब लगता यूं है कि ओली ने अपनी ही डोली को ओली पर चढ़ा दिया है। इस चीनी धोती छाप की टोपी कंटीली झाड़ी में फंसती दिख रही है। ओली के बयान के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दैल प्रचंड ने मंगलवार से शुरू बातचीत में ओली को अल्टीमेटम दे दिया है। इसी बीच चीन की राजदूत हाओ यांग को प्रचंड को मनाने के लिए बुधवार को उनके घर पर जा पहुंची, जिसके बाद अब नेपाली जनता भी नेपाल में चीनी हस्तक्षेप के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी है। प्रचंड खुलकर भारत के पक्ष में आ गए हैं, जबकि पीएम ओली चीन की कठपुतली बनकर उसके इशारों पर गद्दैया नृत्य कर रहे हैं। 3 दिन पहले ओली की छुपी अरबों की संपत्ति के खुलासे ने भी नेपाल में हड़कंप मचा रखा है। द काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक ओली ने पिछले 6 माह के दौरान 200 करोड़ रुपए की बड़ी रकम कमाई है, जिससे साफ पता चलता है कि ओली ने नेपाल को चीन के पास न सिर्फ गिरवी रख दिया है, बल्कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उल्टे सीधे बयानों पर जनता को उलझा रहे हैं। ओली को जब भी यह अंदेशा होता है कि उनकी गद्दी खतरे में है, वे तुरंत कोई नया विवाद खड़ा कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके निशाने पर केवल भारत है। इधर जिस तरह से चीन अपनी राजदूत हाओ यांग को ओली के बचाव में उतार रहा है, उससे ओली की चीन से मिली भगत साफ नजर आती है। नेपाल कांग्रेस की नाराजगी मोल लेकर ओली ने अपनी सरकार के बचे रहने की संभावना खत्म कर दी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले ओली के प्रचंड विरोधी प्रचंड ने उन पर इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। प्रचंड ने साफ कह दिया है कि ओली ने जिस तरह भारत पर बयान दिए हैं, वह कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से सही नहीं है। ओली के इस व्यवहार से यही लगता है कि वह नेपाल को निजी फैक्ट्री समझकर चला रहे हैं। ओली की वजह से नेपाल और भारत के सदियों पुराने रिश्ते निचले स्तर पर आ गए हैं, जिसका खामियाजा महंगाई के रूप में नेपाली जनता को चुकाना पड़ रहा है। ओली ने भगवान राम को नेपाल का बताकर जो बकलोली की थी, उससे ओली को एक बार फिर भारी जनसमर्थन की उम्मीद थी, मगर उनका यह दांव नेपाल में ही उल्टा पड़ गया। नेपाल के लोगों ने ही ओली की पुंगी बजा दी है। हालत यह है कि नेपाल में विभिन्न स्थानों पर हिंदू समुदाय द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोग ओली को हटाने के लिए न केवल लामबद्ध हो रहे हैं, बल्कि भारत विरोध की उनकी नीतियों का विरोध भी करने लगे हैं। इससे जनता में उनकी लोकप्रियता कम होने के साथ ही पार्टी में प्रचंड गुट का दबदबा भी बढ़ा है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि ओली को चलता करने के लिए खुद प्रचंड विपक्षी दलों के संपर्क में है। वह समाजवादी पार्टी और नेपाल कांग्रेस से कई मुलाकातें कर चुके हैं। प्रचंड ऐसा करके एक तरह से ओली के फिर से पीएम बनने के सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं, मगर ओली को उम्मीद है कि चीन की दखलंदाजी उनकी कुर्सी बचा लेगी। बड़ी बात यह है कि नेपाल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में ओली के साथ नहीं जाएगी। ओली की विचारधारा पार्टी की नीतियों से मेल नहीं खाती है। वह हर वक्त चीन की भाषा बोलते रहे हैं, जिसने नेपाल के हितों को गंभीर चोट पहुंचाई है। यानी सरकार गिरने का एक एक दिन गिन रहे ओली की हालत बकरी की मां जैसी हो गई है। पर बावजूद इसके ओली है कि गदैया नृत्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।